बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 10 की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, नंबर 1 ऑर्गेनिक और नंबर 2 केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वर्ड का जो मतलब हमारे पास है, ये ज़िंदगी की इलामत है। और केमिस्ट्री को जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें हम मादे की तरकीब, साफ खवास और उनमें होने वाले जो कीमियाई रिएक्शन हैं उनका मुताला करते हैं, तो वो हमारे पास केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक का मतलब ज़िंदगी की इलामत, और केमिस्ट्री हमें पता है कि मादे की तरकीब, साफ खवास और उनमें होने वाले रिएक्शन। तो हम इस चैप्टर में ऐसे मादे के बारे में स्टडी करेंगे जो जिंदा जानदारों से हासिल किए जा सकते हों, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, इन एनिमल और प्लांट से जो मैटर हमें मिल रहा है उनकी जो स्टडी है, उनके जो रिएक्शन हो रहे हैं उन सेल्स में, उनका जो रिलेशन को हम फाइंड करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इन द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये हाइड्रोकार्बन हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड है, और उनके डेरिवेटिव जो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं, उनका और उनके जो डेरिवेटिव हैं उनसे माखूज कंपाउंड का मुताला करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद हमारे पास इसमें हम जरा स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड पर फोकस करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इन विच कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एसेंशियल। हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो हमने ऊपर भी पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हों उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम हाइड्रोकार्बन और उनसे माखूज जो कंपाउंड है जिनमें जो कार्बन एटम है वो सब कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, और जो मेन एसेंशियल एटम है वो कार्बन है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इन विच कोवेलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एसेंशियल। उसके बाद हमारे पास, अब पहले भी मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिक वर्ड है इसका जो मतलब है वो सिग्निफाइज ऑफ लाइफ, जिंदगी की इलामत है। तो ऑर्गेनिक का जो मतलब क्या है, जिंदगी की इलामत। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ देखते हैं कि इसका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हिस्ट्री है उसके बारे में क्या है, कि कैसे ये, अगर हम बात करें 1828 से पहले की, तो हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका जो नेम था वो था केमिस्ट्री ऑफ दी कंपाउंड्स, कंपाउंड्स की केमिस्ट्री इसको कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रख दिया गया, क्योंकि इसमें वो कंपाउंड शामिल हैं जो जिंदा जानदारों यानी पौधों और जानवरों से हासिल किए जाते हैं। हमारे पास एक केमिस्ट थे लेवाइजर। लेवाइजर ने कहा कि हमारे पास जो प्लांट्स से जो एलिमेंट्स हासिल किए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं, वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेवाइजर शुड दैट कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स वर ऑफन मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेवाइजर ने कहा कि ऐसे कंपाउंड जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, और वो इन तीन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। उसने कहा कि दी कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, हमारे पास जो जानवरों से कंपाउंड्स को हासिल किया जाता है वो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम आज के टाइम पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात
आते हैं तो हमारे पास टुडे 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज और हज़ारों की तादाद पे साल जो है हर साल जो है वो डेली बेसिस पे कह लें या ईयरली बेसिस पे कह लें वो प्रिपेयर हो रहे हैं। लेकिन पहले ये सबब किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, ये हमें जिंदा जानदारों से हासिल होते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो प्रिपेयर हो चुके हैं और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एवरी ईयर प्रिपेयर हो रहे हैं। लिवाइजर के बाद एक साइंटिस्ट थे स्वीडिश केमिस्ट जो 19वीं सदी के स्टार्ट में जिनका नाम जैकब बर्जीलियस था, उन्होंने एक थ्योरी पेश की वाइटल फोर्स थे। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज बिकॉज दे वर सपोज टू बी सिंथेसाइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता था, बल्कि इनको जो है ये हमारे पास जो जानदार थे उनमें एक पुरसरार कुवत पाई जाती थी, ये उससे हासिल किए जाते थे। और ये जो पुरसरार कुवत थी इट इनहेरिट ओनली इन लिविंग थिंग्स, ये जो फोर्स थी ये सिर्फ जिंदा जानवरों में पाई जाती थी, नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होती, क्योंकि पहले यही तो सबक दिया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो इसको सिर्फ जिंदा जानवरों से हासिल किया जाता है। तो जैकब बर्जीलियस ने अपनी थ्योरी पेश कर दी वाइटल फोर्स थ्योरी, उसने कहा कि भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, इसको सिर्फ जो जानदारों में एक पुरसरार कुवत पाई जाती है, मिस्टीरियस फोर्स पाई जाती है, उसी के जरिए असर ये जो है ये बनते हैं और हम उनको हासिल करते हैं, और ये सिर्फ इनहेरिट ओनली इन लिविंग थिंग्स, ये सिर्फ जिंदा जानवरों में ही पाई जाती है। अब ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी जैकब बर्जीलियस की, इसको रिजेक्ट कर दिया गया जब 1828 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम गुलर था, उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार कर दिया। इन 1828 गुलर सिंथेसाइज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। गुलर ने 1828 में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार करके वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि 19वीं सदी से पहले दी गई जैकब बर्जीलियस ने उसको रिजेक्ट कर दिया और इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को इस्तेमाल किया, उसको हीट दिया और हीट करने के बाद इसमें अमोनियम साइनेट में जो एलिमेंट्स थे उनकी रीअरेंजमेंट के साथ उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार किया जिसका नाम यूरिया था। और यूरिया हमारे पास द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में तैयार किया गया। क्योंकि 19वीं सदी से पहले की अगर बात करें तो केमिस्ट का ये ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते, इनको सिर्फ हम जिंदा जानदारों से हासिल करते हैं। लेकिन 1828 में जब गुलर ने एक लेबोरेटरी में एक यूरिया तैयार किया ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया गया, तो इसने जब ये यूरिया तैयार किया उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी जो जैकब बर्जीलियस ने 19वीं सदी से पहले दी थी उसको रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जो एक थी मकबूलियत वो कम हो गई, क्योंकि यूरिया जो था वो लेबोरेटरी में तैयार हो गया। यूरिया की बात करें अमोनियम साइनेट हमारे पास NH4CNO, अब देखें सिंपल है कि इसमें जस्ट रीअरेंजमेंट हुई है कि NH2 दो हाइड्रोजन हमारे पास इस नाइट्रोजन के साथ मिल गए और दो हाइड्रोजन पहले हुए नाइट्रोजन के साथ मिलकर और CO हमारे पास सेंटर में आ गया और ये यूरिया का कीमियाई फार्मूला है। 1828 के बाद 1845 में एक साइंटिस्ट था कोह, इसने एसिटिक एसिड जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको लेबोरेटरी में तैयार किया। 1828 में यूरिया तैयार किया गया जबकि 1845 में एसिटिक एसिड को कोह ने तैयार किया। जब एसिटिक एसिड जो है तैयार किया गया लेबोरेटरी में तो उसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसको बिल्कुल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि हमारे पास सेकेंड जो
ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड था उस कोली बॉटल में तैयार कर लिया गया। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, ड्रग्स हैं, डाइज हैं, पेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी जितनी मेडिसिन हैं वो सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड पर मुश्तमिल है। फर्टिलाइजर जितनी हम खादें फसलों में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी खादें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रबड़ है जो सिंथेटिक रबड़ हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक है, पॉलीमर्स हैं जो नेचुरली हमारे पास प्रिपेयर हो रहे हैं, वो सब के सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने कहा था कि जो कार्बन है यहाँ पे, हमने कहा वो जो कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन जो है वो लाजमी है ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कार्बन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट जो उसके ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को ट्रीटेड नहीं किया जाता एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि कार्बन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके बगैर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन नहीं सकता, लेकिन जो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं लाइक एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड्स जो हैं, जितने भी ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, उनको जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड तसव्वुर नहीं किया जाता। इसकी भी एक वजह है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो खसूसियात हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं मिलती, जिसकी वजह से कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का तसव्वुर नहीं करते। हालांकि कार्बन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मगर इसके जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तसव्वुर नहीं करते। इसकी बुनियादी वजह कि इनकी जो खसूसियात हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती नहीं हैं, वो इनसे मुख्तलिफ हैं। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेफ्थलीन। आपने देखा होगा कि घरों में हमारी जो माएँ हैं या जो हमारे पास बिस्तर वगैरह होते हैं उनमें एक सफ़ेद रंग की गोलियां जो हैं वो रखती हैं ताकि कपड़ों को कीड़ों से बचाया जा सके, तो उसको हम नेफ्थलीन कहते हैं। जो सफ़ेद रंग की गोलियां हैं वो नेफ्थलीन है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अपनी जो लाइफ है इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, ड्रग्स हैं, डाइज हैं, पेंट्स हैं, कलर जो होते हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो जो नेफ्थलीन की अगर बात करें, नेफ्थलीन को हम घरों में अपनी अलमारियों में या बिस्तर जो हमारे होते हैं उनमें हम सफ़ेद रंग की गोलियां, आपने देखा होगा कि घरों में रखी जाती हैं ताकि उन कपड़ों को कीड़ों मकोड़ों से बचाया जा सके। नेफ्थलीन हमारे पास, नेफ्थलीन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट सबलीम्स एट रूम टेम्परेचर गिविंग आउट वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल। इट इज़ यूज्ड इन मॉथ बॉल्स टू कीप इंसेक्ट अवे फ्रॉम क्लोथ। जो नेफ्थलीन है वो रूम टेम्परेचर पर बहुत जो है वो तेज़ खुशबू को, स्मेल को जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिससे जो कपड़े हैं वो कीड़ों मकोड़ों से महफूज रहते हैं और इसको हम इस्तेमाल जो है इस्तेमाल करते हैं। आज की हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और आज की हमने इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो स्टडी किया है। चैप्टर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट किया है, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने जो इसका इंट्रोडक्शन, इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो अपना रोल प्ले किया, डिफरेंट जो थ्री वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो उसको हमने स्टडी किया। प्रेपरेशन ऑफ यूरिया को देखा कि किस तरह से लेबोरेटरी में पहली बार यूरिया को तैयार किया गया, और यूरिया हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया गया। अमोनियम साइनाइड की अगर बात करें तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जब यूरिया तैयार किया गया तो जितनी पहले थ्योरीज पेश की गई लाइक एज वाइटल फोर्स थ्योरी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्टरी में तैयार नहीं कर सकते, उसको यूरिया तैयार होने के बाद उन सब थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया। और उसके बाद हम जब एसिडिक एसिड जो है वो लेबॉर्टरी में तैयार किया गया तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी की थोड़ी सी मकबूलियत थी वो भी ख़त्म हो गई, और फिर ये एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को
लेबॉरेटरी में तैयार किया जाने लगा और आज हमारे पास जो है वो 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबॉरेटरी में तैयार हो चुके हैं और हर साल हज़ारों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखा था कि कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा कि ये लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन हैं, ड्रग्स हैं, डाइस हैं, पेंट्स हैं और हमारे पास जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं यानी कि जितनी मेडिसिन हैं, फर्टिलाइजर्स, खादें, रबड़, प्लास्टिक, ये सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमने एक बात ये भी पढ़ी कि कार्बन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है मगर जो कार्बन की ऑक्साइड्स हैं लाइक एस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट और कार्बाइड जो हैं उनको जो है वो तस्वर नहीं किया जाता ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर। उसकी बुनियादी वजह भी हमने पढ़ी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह में की वजह से जिसकी वजह से इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनको शामिल नहीं किया जा सकता, उनको उस लिहाज से नहीं ट्रीट किया जाता ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह। हालांकि हमारे पास कार्बन जो है वो एक मेन कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अलावा हमने नेफ्थलीन का यूज़ पढ़ा कि वो भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो डिफरेंट वाइटल फोर्थ थ्योरी और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।